ईद पर बड़ा तोहफा, रेस्क्यू 1122 का बाकायदा शानदार इफ्तिताह। एमपी चौधरी मोहम्मद अफजल गिल और वफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने अपने दस्ते मुबारक से किया। रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज्जज मेहमानों को सलामी दी। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मुअज्जज मेहमानों ने तकरीब के शुरका से अपने खिताब में रेस्क्यू की अहमियत बताते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 हर वक्त किसी भी हादसे या एमरजेंसी में आपकी मुआवन व मददगार साबित होगी। बाद हजार रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर आसफ रहीम चन्नर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वक्त पाकिस्तान में रेस्क्यू सर्विस का क़याम किसी नेमत से कम नहीं है। क़याम पाकिस्तान के बाद जो है मुख्तलिफ महकमा जात इंफरादी तौर पर काम कर रहे हैं और करते रहे हैं, जिसमें जो है कि रेस्क्यू का ऐसा बाकायदा तौर पर कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं था कि जहाँ पर आप एक कॉल करें और तमाम किस्म की रेस्क्यू सर्विसज आपकी दहलीज पर मुहैया हों। तो इसलिए कि ये इसको सोचा गया, प्लान किया गया, तो पंजाब में इस सर्विस का आगाज़ 2004 में हुआ। मुअज्जज़ीन ने शहर ने बताया कि 1122 एक बहुत अच्छी सर्विस है, ये मेरे ख्याल से तो बहुत देर पहले आ जानी चाहिए थी, तो चले अब भी आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी हुई है। वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हासलपुर तहसील 1122 का तोहफा दिता, ये बहुत अच्छा इकदाम है। रेस्क्यू 1122 का क्या ना सिर्फ हासिलपुर का तरक्की की जानब बढ़ता हुआ एक कदम बल्कि किसी भी हादसे में फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाने का अहम जरिया भी है। कैमरामैन मुजाहिद खान के साथ मलिक इकबाल, पाक न्यूज़ हासिल।